हेलो फ्रेंड्स, मैपिंग प्रॉब्लम सनसुई या वीडियो कॉल एलईडी टीवी में उसे हम फास्ट आसानी और कितनी सरलता से कर सकते हैं इसका हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हमने सनसुई का ओरिजिनल रिमोट ले लिया है। सनसुई एलईडी टीवी में मैपिंग प्रॉब्लम है, इसका हमने ओरिजिनल रिमोट ले लेना है और इसके बाद में हमें मेनू का बटन प्रेस करना है। सर्विस मोड ओपन करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम कर्सल को साउंड मेनू में ले लेंगे। इसके बाद में हम रिमोट का 8532 बटन प्रेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमें ओके का बटन प्रेस करना है। ओके का बटन प्रेस करने के बाद इसका पेज ओपन हो चुका है। अब हम कर्सल को नीचे पैनल सेटिंग पे ले लेंगे। ये हम कितने फास्ट और आसानी से कर सकते हैं इसका हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। अब हम ओके का बटन प्रेस करेंगे तो इसका पेज ओपन हो जाएगा। अब एलवीडीएस मैपिंग पे कर्सल ले लेंगे और एलवीडीएस मैपिंग 0 से 21 तक बिट्स है इसमें। इसे हम चेंज करेंगे, जहाँ पे पिक्चर क्लियर आएगा वहाँ हम छोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बहुत ही फास्ट, आसानी और कम समय में मैपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। या वीडियोकॉन, सनसुई, इन ब्रांडों में हम इसे आसानी के साथ यह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिसका हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं, और आप भी इसे बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। एलवीडीएस मैपिंग जहाँ पे पिक्चर क्लियर आएगा वहाँ हमें छोड़ देना है। अब 2 पे हम यहाँ पिक्चर क्लियर है, हम यहाँ पे छोड़ देंगे। और इसमें से बैक आने के लिए हमें मेनू का बटन 3 बार प्रेस करना है। 1, 2, 3। अब हम सर्विस मोड में से बाहर आ गए और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। यह वीडियो देखने के बाद आप भी सरलतापूर्वक मैपिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर मोटिवेशन एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।